ऐसा समझता हूं जो कार्य हम स्वर्णतारा के बारे में यहां किए हैं, मैं बार बार इसलिए कह रहा हूं कि ऐसी गलती मैं फिर एक बार नहीं करूंगा, लेकिन गलती बोलो कुछ भी हो, सिर्फ यही चाहता था कि गुरु जी का नाम संसार में हो। साधनाओं में सिद्धि है ये बतलाने की चेष्टा किया हूं, लेकिन इसमें मेरा नाम बड़ा हो मेरा ऐसा मेरा कोई विशेष ये नहीं था, लेकिन गुरु जी ने कहा है कि जैसी जितनी भी साधनाएं हैं गुफाओं में अकेले रहकर की जाती है, तो ने सामूहिक रूप में आश्रम में करवाई है। इस बात को विचार कर कि कितनी शक्ति का प्रसार किया होगा तब ये सारा कार्य होगा। आप इसका चिंतन अगर कर ले तो आपको कोई भी, मैं आपको बार बार ये कह रहा हूँ, कोई भी अगर संसार में सामूहिक रूप से तारा सिद्धि इस प्रकार की है तो मुझे चैलेंज ये बता दू, मैं चैलेंज इसलिए कह रहा हूँ। और जो मैं यह कार्य हुआ मैं गुरु जी के चरणों में नमस्कार करता हूँ, तारा माता के चरणों में नमस्कार करता हूँ, आप सभी की ओर से क्षमा मांगता हूँ कि ऐसा नहीं। और एक बात और भी कर रहा हूँ, छाती ठोक के आप कह सकते हैं जिसमें स्वर्ण तारा की हमें तारा सिद्ध है ऐसा कह सकते हैं। इसके बाद आप जब घर जाएंगे सब अलग तारा मंत्र करेंगे और जो आपके पास प्रसाद आया है उसको नारियल के पास आप रखकर सब अलग मंत्र करेंगे। और इतना भी मैं कह रहा हूँ, तारा का मंत्र में स्वर्ण ही देना नहीं है, हर शुक्रवार को आप रात में 33 माला मंत्र जब उस आपके प्रसाद के सामने कर दूसरे दिन बोल लो कि आपको जो कष्ट है न्याय के साथ, गुरु जी हमें इतना पैसा चाहिए, पैसा और स्वर्ण दोनों ही की है इतना चाहिए, तो आप देखो आपका 3 दिन के अंदर अंदर आपको जो पैसा चाहिए मिल जाएगा। इसमें भी स्वर्ण तारा किया है उनको कह रहा हूँ कि मैंने यूं ही आपको नहीं दिया, केवल गुरु सेवा और गुरु कार्य में भी आप कुछ अपना आपका श्रेय देंगे ऐसा मैं इच्छा रखता हूँ, ऐसा मैं चाहता हूँ कि आप भी गुरु श्रेय में गुरु कार्य करेंगे। इसी के उद्देश्य से मैंने यह कार्य किया है, गुरु जी को फिर भी मैं क्षमा मांगता हूँ। और हमारे वार्षर बहुत सीनियर है लेकिन उनको साधनाओं के प्रति उतनी निष्ठा नहीं है जितनी निष्ठा मेरे में है, तो मैं चाहता हूँ कि इसके बाद कभी उस्मानाबाद में शिविर होगा तो उस्मानाबाद में भी इस साधना को संपन्न करवाऊंगा, केवल 10-11 दिनों में ज्यादा नहीं। और इसके बाद आप सभी को कहता हूं कि माता रानी के पास पुष्प चढ़ाकर आपको जिसको भी सिद्धि चाहिए वो लोग मेरे से नारियल ले लेकर आप जाएंगे और आपके घर में स्थापन करेंगे। मैं बार बार आपको कल से कह रहा हूं आपके घर यहां से सीधा घर जा रहे हैं तो तारा निश्चित रूप से आपके घर में आएगी आएगी। चैत्र नवरात्रि में मैं महाकाली और भुवनेश्वरी महाकाली साधना जो करेगा उसके सामने शत्रु का टिकना मुश्किल हो जाएगा। गुरु जी ने ऐसा कहा था कि मेरे साधक के आंखे डालकर कोई काम नहीं करा नहीं सकेगा, इतनी स्थिति होगी जो काली साधना संपन्न करेगा और अपने जीवन में कोई उसके अगेंस्ट में बात करने की शक्ति नहीं रखेगा। वो अगले चैत्र नवरात्रि में मैं काली माता काली का और भुवनेश्वरी का साधना संपन्न करवाऊंगा। आप सभी को कह रहा हूँ मैं अगली चैत्र नवरात्रि एक बार त्रिगुण बोलता हूँ ये रोज ये देखते स्वर्ण का रचिष्ठा हूँ।